Explore India with Folktales. एक भोला भाला सीधा साधा ढीला डाला मुंशी था. He was a tax collector. You know how it is that people have to pay a certain amount for the facilities that they use to the government, to the king. तो ये जो मुंशी था उसका काम ये था कि ये जो पेमेंट था वो राजा की ओर से वो लोगों से कलेक्ट करता था. He used to have this account book जिसमें लिखा होता था किसने पैसा दिया है किसने नहीं दिया है. तो based on that he would collect money from people. मेरे हिसाब में है कि आपने king का 2000 रुपया नहीं दिया, 2000 rupees you haven't paid. दे देंगे please. और बाद में वो उनको एक रिसीट देता था जिसमें लिखा होता था कि आपका हिसाब बराबर हो गया है. मिस्टर अतुल हैज पेड 2000 रुपीस. इसका मतलब उनका हिसाब हो गया बराबर. अकाउंट इज फाइन एंड सेटल. लीजिए. Then he realized that the person whose payment was due the most was पहलवान पाशवान. अब ये पहलवान उसके नाम से ही पता चल सकता है कि he was this big guy, you know, big burly man. And not only that, he was such a bully. तो सब मुंशी को बोलने लगे, यार प्लीज उससे पैसा कलेक्ट मत करने जाओ, बिकॉज ये पहलवान है, उससे तुम आर्ग्यूमेंट तो कर सकते नहीं, उससे अच्छे से बात तो कर सकते नहीं, और तुम्हें क्या आता है, तुम्हें तो सिर्फ बातें करना आता है. और ये जो हमारा पहलवान है ना, तो वो आर्ग्यू करेगा ना बातें करेगा, वो तो सीधा मुक्का और लात की बात करेगा. अरे एकदम है अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा है नहीं, कोई भी बात शांति से समझता ही नहीं. पर मुंशी ने बोला, यार ये तो मेरी ड्यूटी है ना पैसा कलेक्ट करना, तो मुझे तो जाना पड़ेगा. तो मुंशी पहलवान पाशवान के यहाँ गया पैसा कलेक्ट करने. आपके नाम पे मुंशी रिक्वेस्ट करता रहा करता रहा, पर पहलवान ने उसकी एक ना सुनी. बेचारा मुंशी इतनी रिक्वेस्ट करता है, मत करो ऐसा मेरे साथ प्लीज. तुम आज मुझे पैसा नहीं दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली. बिकॉज आफ्टर सम डेज किंग सोल्जर्स वुड कम एंड दे वुड फोर्सफुली टेक मनी फ्रॉम यू. सो इट्स बेटर ना वी सॉर्ट इट आउट नाउ. अब ये जो बात है मुंशी की, वो पहलवान का छोटा भाई बजरंग सुनता. This बजरंग is quite a shrewd guy. तो बजरंग अपने भाई के पास जाता है और ये कहता है, भैया बोलो, एक ठो आइडिया है. बोलो. हम ना इससे चिट्ठी लिखवा देते हैं. चिट्ठी लिखवा देते हैं कि हमने इसको पैसे दे दिए हैं. जितना बुड़बक दिखता है उतना है मेरे तू. भैया ये तो अपना स्टाइल है. तेरा मुंशी चल बेटा लिख दे. तो नाउ दिस बजरंग इज टेलिंग हिम कि एक ऐसी चिट्ठी बना दो इन विच यू हैव रिटर्न दैट वी हैव पेड यू द मनी. नाउ मुंशी इज गेटिंग वेरी स्कैर्ड एंड इज लाइक प्लीज डोंट डू दिस. तो बजरंग बोलता है, अबे ओ ढक्कन लिख के दे अभी के अभी. ये तो हम ही लिख डालते लेकिन हमारे लिए काला अक्षर बराबर. अब मुंशी के पास कोई चॉइस तो थी नहीं, तो उसको रिसीट बनानी पड़ी. पहलवान और बजरंग ने 50,000 रुपया 50,000 रुपीज पे कर दिया है. हिसाब बराबर. अकाउंट सेटल्ड फॉर एवर. Now, as the Munshi had said, some days later, the king's soldiers come there to check everybody's payment receipt. तो पहलवान और बजरंग बहुत confidently उनको वो receipt दिखा देते हैं. पर जब वो soldiers वो receipt देखते हैं, they are zapped. यहाँ पे हमारे जो मुंशी है उन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी थी. He knew that पहलवान एंड बजरंग वर इलिटरेट पीपल, कंप्लीटली अंगूठा छाप, जिनके लिए काला अक्षर मतलब भैंस बराबर. तो हमारे मुंशी ने वो चिट पे कुछ ऐसा लिखा था जो ना तो पहलवान पढ़ सका ना तो बजरंग समझ सका, और वो ये था, मिस्टर पहलवान और बजरंग फोर्सफुली मेरे से ये चिट्ठी लिखवा रहे हैं. They have not paid a single penny. They have not paid a single penny. इसको पकड़ो. तब
वो सोल्जर्स वही करते हैं जो उन्हें करना था. दे टेक एन एक्शन अगेंस्ट पहलवान एंड बजरंग, दोनों पे फाइन लगाया जाता है और उन्हें जेल में डाला जाता है. और तब उन्हें वो कहावत याद आती है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. अब ये वाली स्टोरी में पेन इज माइटियर देन द स्टिक. डिड यू एंजॉय द स्टोरी? I'm sure you did. So if you enjoy story, that just drum your feet. If you enjoy stories, drum your feet. If you enjoy stories, drum your feet. If you enjoy stories, then if you're the one to share it, if you enjoy stories, drum your feet.